ये लीजिए, मैं चलती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? हमारे यहाँ लड़कियाँ पाँव नहीं छूती, पर बहुए तो छूती है ना। अब आप मुझसे ये हक तो मत छीनिए। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने मुझे अपने दिल से बहू कबूल कर लिया था, और जो हुआ उसका आप लोगों को मुझसे कई ज्यादा बुरा लगा है। देव और मेरा रिश्ता नहीं हो पाया, पर हमारा रिश्ता तो बना रह सकता है ना माँ जी? बेटा अब ये सब रिश्ते रखने हैं तो मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। अंदर चल के 2 मिनट बैठ, फिर चली जाना। 2 मिनट के लिए नहीं, मैं तो जिंदगी भर इस घर में रहना चाहती थी। पर खैर, देव है घर पे? हाँ, हम लोग जब घर पे नहीं होते तो अक्सर घर पे ही होता। चलो मैं अब यहाँ आई हूँ तो उससे मिल ही लेती हूँ। वो वहाँ बैठा है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ये रोज रोज का चक्कर। हेलो देव, एक मिनट बाद में फोन करता हूँ। हाय। अरे तुम यहाँ पे अचानक एकदम? क्यों, तुम दोस्तों को भी अपॉइंटमेंट देकर मिलते हो क्या? दोस्ती में तो अचानक का ही मजा है। और फिर जो तुमने हमारे साथ अचानक किया, क्या हमने कभी उसकी शिकायत की? तुम्हें तो वकील होना चाहिए था अनु, अपना केस बहुत अच्छा प्लीड करती हो। प्लीड भी करती हूँ पर हार भी जाती हूँ। हार जाती हो? देखो ना, तुम्हें तो हार गई ना। एक बात बताओ, मुझे तुमसे डरना चाहिए क्या? मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। हम अपनी दोस्ती को 2 तरफा कर लेते हैं। मुझे कभी ये महसूस न होने दो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। कभी कभी फोन कर लिया करो, मिलने आ जाया करो, और अगर मैं अचानक आ जाऊं तो चौक मच जाया करो। मैसेज कन्वेड मैम, दोबारा मुझसे गुस्ताखी कभी नहीं हो। बट यू आर राइट नो, मैंने तुम्हारी दोस्ती के साथ इंसाफ तो नहीं किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सॉरी का सिलसिला तो शुरू हुआ है। एक दिन तुम अपने घुटनों पर आकर मुझसे सगाई तोड़ने की माफी मांगोगे देव। कहाँ खो गई आप? मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो पनिशमेंट दोगी क्या? पनिशमेंट ये है कि तुम मेरी बात अपनी मिस आउट से कराओगे। क्या? हाँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे जानना चाहती हूँ। आई कैन बेट देव, मैं उसके बारे में तुमसे ज्यादा सोचती हूँ। लेकिन क्यों? दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने की हमारी एक अपनी अदा है। तेरा पता तो चले जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वो कौन है, कैसी है। अब बहुत हो गया, नंबर बोलो। अरे रुको ना यार, दिल के मामलों में कभी इतनी जल्दबाजी नहीं करते। अरे पहले धड़कनों पर काबू रखना पड़ता है, सांसों की रफ्तार को जरा थोड़ा संभालना पड़ता है, और फिर फोन फोन में भी तो फर्क होता है। बात मत टालो, नंबर बोलो। अरे पर क्या कहूँ उससे, तुम कौन हो? क्यों, वो शक करेगी? हो सकता है कर भी बैठे, आफ्टर ऑल औरत है। इसका मतलब शक की गुंजाइश है, यानी कि बेइंतहा प्यार है। ठीक है, तुम बात करो, मैं सिर्फ उसकी आवाज सुनूंगी। वैसे एक बात बताऊं कि मैंने हमेशा उसको अपनी तरफ से फोन किया, उसने तो कभी मुझे फोन किया नहीं। तो आज मैं फोन ना करके ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझे कब फोन करती है, ठीक है ना? अगर मैं उसकी जगह होती देव, तो कम से कम दिन में 2 फोन तो जरूर करती। बताओ। तो कायदे से अब तुम्हें उसे फोन नहीं करना चाहिए। You're right. फोन ना करने का एक अपना अलग रोमांस होता है ना? वैसे देव, ब्लैंक कॉल देने का भी एक अपना ही रोमांस है, क्यों? You're right. ठीक है, तुम एक काम करो, बात मत करो, उसे एक ब्लैंक कॉल दो। इससे तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। 00 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
5656914. Thank you.
हेलो हेलो हेलो। पता नहीं लोगों को क्या शौक होता है ब्लैंक कॉल्स देने का। हेलो हेलो हाय 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 हेलो हेलो। किसकी आवाज थी वो? कौन हो सकती है वो लड़की? हेलो स्पीक अप। ओ गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कौन थी वो। हेलो 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 हेलो। ये आवाज कहीं तो सुनी है, कुछ जानी पहचानी सी है, पर ऐसा कोई याद भी तो नहीं आ रहा। कौन हो सकती है वो? कहीं तो सुनी है ये आवाज, पर पता तो मैं कर ही लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे लंदन क्यों ना जाना पड़े। देव ने कौन सा नंबर कहा था? हाँ 04420856569 14 04420856569 14। हेलो क्या हुआ? आई डोंट नो, किसी ने होल्ड कर रखा है लेकिन बात ही नहीं कर रहा। हेलो ए व्हाट्स अप पैल, टॉक अप मैन। दीदी क्या पता कोई कॉइन वॉइन ढूंढ रहा हो। ए फेला पुट इन द कॉइन मैन। हेलो काश। वेल दीदी कहीं ये देव का फोन तो नहीं था? उसे लगा होगा कि लड़की के बाप ने फोन उठाया इसलिए डर के फोन रख दिया। वो तुम्हारी आवाज पहचानता है समझे? ऑलराइट, यानी कि वो मुझसे डर रहा था। गुड, दैट्स गुड न्यूज। ये डर बरकरार रहना चाहिए कि लड़की का भाई स्ट्रिक्ट है, व्हाट डू यू से, हैपनिंग है। अगर वो तुमसे डरता है तो उसका ये डर बनाकर रखा जाएगा, ओके? पर ये फोन देव का हो ही नहीं सकता। या एक्चुअली यू नो, क्योंकि ब्लैंक कॉल्स तो अनफुलफिल्ड लव स्टोरीज में आते हैं और आपकी लव स्टोरी तो फुलफिल्ड एंड कंप्लीट है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।